नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 फरवरी। चलो जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार लोक सेवा आयोग ने जिला कला और संस्कृति अधिकारी के पद पर निकाली रिक्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग ने जिला कला और संस्कृति अधिकारी के 38 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक या मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार के युवाओं को अब मिलेगी एसएमएस से रोजगार से जुड़ी तमाम जानकारी। बिहार के युवाओं को अब एसएमएस के माध्यम से रोजगार से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। इसको लेकर श्रम संसाधन विभाग ने अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि मार्च में राज्य स्तरीय पोर्टल सेवा की शुरुआत की जाएगी, जहां इन्हें रोजगार संबंधी सभी जानकारियां आसानी से मिल पाएंगी। इतना ही नहीं, इस पोर्टल के माध्यम से बिहार के अलावा देश के अन्य राज्यों में सरकारी और निजी संस्थान से निकलने वाली नौकरियां के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, जो कि बिल्कुल मुफ्त होगी। डीटीओ ने बिहार के 4 लाख डिफॉल्टर को नोटिस भेजने की शुरू की तैयारी। डीटीओ यानी कि परिवहन विभाग ने अब राज्य में 4 लाख डिफॉल्टर यानी कि व्यावसायिक और निजी वाहन मालिकों को नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। ये सभी करोड़ों का टैक्स लेकर सालों से बैठने वाले लोग हैं, जिसके बाद अब इन पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर ऐसे सभी लोगों को जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा, जिसके बाद 21 दिन का समय भी उन्हें मुहैया करवाया जाएगा। इसके साथ ही विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर तय समय पर नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो सभी डिफॉल्टर पर FIR दर्ज की जाएगी। विभागीय समीक्षा बैठक में पाया गया कि राज्य भर में निबंधित वाहन 89,38,621 है। ये वैसे वाहन है जो केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड है। इन निबंधित वाहनों में से 3,74,788 से अधिक गाड़ियों ने टैक्स जमा नहीं किया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री से पूर्व मध्य रेल के जीएम ने की मुलाकात। बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से बीते दिनों पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने उपमुख्यमंत्री को बिहार राज्य के यात्री सुविधा और रेल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति से अवगत करवाया है। इस दौरान पूर्व रेल में चल रहे कार्यों को लेकर विशेष चर्चा भी की गई है। साथ ही लंबित परियोजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर के उपमुख्यमंत्री और महाप्रबंधक के बीच बातचीत भी हुई है। यात्रियों को रेलवे के माध्यम से किस तरह से सहूलियत दी जाए, ऐसे कई तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। मछली पालन के लिए अब सरकार दे रही है अनुदान। अगर आप भी मछली पालन करने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए सरकार ने अनोखी पहल शुरू की है, जिसके तहत अब सरकार मछली पालन के लिए अनुदान दे रही है। मत्स्य पालन के लिए नए तालाब खुदवाने वालों को अब 30-50% तक का अनुदान दिया जाना है। अप्रैल में लाभ प्राप्त करने वाले लोग ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इस योजना की मदद से चयनित पालकों में से 30 का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है, जिससे कि एक किसान को 2 हेक्टेयर में नया तालाब खुदवाने पर अधिकतम 7 लाख रुपए का अनुदान देना होगा। इसके साथ ही SC ST वर्ग के किसान को 70% तक विभाग अनुदान देगा। इतना ही नहीं, चयनित किसानों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देने के लिए ही विभाग उन्हें अब बाहर भेजने पर विचार कर रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के धरना प्रदर्शन से आम नागरिकों को नहीं होगी कोई परेशानी। पंचायत चुनाव में मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता पर विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता जताई गई है। इसको लेकर ही अब साफ कर दिया गया है कि अगर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी किसी व्यक्ति के घर के सामने घरेलू जीवन में दखल देने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन या धरना आयोजित करते हैं तो ऐसे में धारा 143 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, नियमों का पालन नहीं करने वालों को 6 महीने का कारावास भी हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आदर्श आचार संहिता के तहत कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत किसी भी व्यक्ति के मकान के सामने उनके विचारों और कार्यों के विरोध में प्रदर्शन करने या धरना देने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। बिहार में सरकारी नौकरियों की आई बहार। बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार देखने को मिल रही है, जिसके बाद सरकार अपने चुनावी वादों के तहत प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इसी क्रम में अब सरकार ने प्रदेश के सभी तकनीकी संस्थानों में खाली पदों को जल्द ही भरने की कवायद शुरू कर दी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि विभागों में खाली पड़ी सीटों को ध्यान में रखते हुए सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थान में 2,451 खाली पदों पर नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद विभागीय बहाली की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। इतना ही नहीं, 324 तकनीकी सहायकों की भी बहाली की जाएगी।
तीन साल से एक ही जगह पर जमे और दागी अफसरों का होगा तबादला। बिहार में मुखिया का चुनाव जल्द ही होने वाला है। सिर्फ मुखिया ही नहीं बल्कि सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के भी चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन साल से एक ही जगह पर जमे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी के तबादले का आदेश जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि वैसे अफसरों का भी तबादला कर दूसरे स्थान या जिले में भेजना है जिनके ऊपर लापरवाही बरतने का आरोप है या फिर उनके ऊपर कोई दाग लगा है। इसके साथ ही आयोग ने उन अधिकारियों को भी हटाने का फरमान जारी किया है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव के लिए तैयार हो रहे मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सख्ती दिखाई है। बिहार के 7 जिलों के डीएम समेत 12 आईएएस अफसर जाएंगे ट्रेनिंग में। बिहार के 12 आईएएस अधिकारी की ट्रेनिंग जल्द ही होने वाली है। इनमें कई जिलों के जिलाधिकारी को भी भेजा जाना है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के सभी अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है, जिसके बाद से सभी चयनित अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में 22 फरवरी से 19 मार्च 2021 तक अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण 3 के तहत प्रशिक्षण लेने वाले हैं। जिन अफसरों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना है उनमें डीएम आलोक रंजन घोष, महेंद्र कुमार, हिमांशु शर्मा, त्यागराजन एसएम, कपिल अशोक, राहुल कुमार, पंकज दीक्षित, निलेश रामचंद्र, संजीव कुमार, राजीव मीना, श्रीकांत शास्त्री और योगेंद्र सिंह का नाम शामिल है। सरकार के पास लगभग 6 अरब की राशि का कोई हिसाब किताब नहीं। सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तब से सुशासन का ही गाना गाया है। इसी बीच अपराध तो बढ़े ही हैं, अब सरकारी तंत्र के पास खर्च की गई राशियों की कोई जानकारी नहीं है। आलम यह है कि वर्तमान समय में लगभग 6 अरब से अधिक सरकारी राशि को खर्च किया जा चुका है, जिसका अब तक कोई हिसाब किताब पेश नहीं किया गया है। हालांकि इसको लेकर विभाग ने कई बार उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने को लेकर आदेश जारी कर दिया है, मगर अब तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना ही अब तक डीसी बिल जमा किया गया है। हालांकि राशियों का पूरा ब्यौरा देने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को 20 फरवरी तक मोहलत दे दी है। जिस जिले ने इस बाबत उपयोगिता प्रमाण पत्र और डीसी बिल नहीं जमा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुपेश मामले को सीबीआई के हाथ में सौंपने के विपक्ष ने की मांग। पुलिस ने रुपेश मामले को लेकर बीते दिनों ही अपनी थ्योरी पेश की है, जो इसके बाद जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था वही हुआ। विपक्ष को पुलिस के इस थ्योरी पर यकीन नहीं होने वाला है और यही कारण है कि विपक्ष बीते दिन राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे, जिसमें विपक्ष के नेताओं का एक दल बिहार के गवर्नर फागू चौहान से मिलने पहुंचा। इस दल में कई पूर्व मंत्री और विधायक शामिल हैं, जिनमें पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, अजीत कुमार, रामजतन सिन्हा, सुरेश शर्मा, अवनीश सिंह सहित कई नेताओं के नाम शामिल थे। इन सभी लोगों ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी को छिपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार के 14 जिलों में खोले जाएंगे कैंसर स्क्रीनिंग केंद्र। बीते दिन विश्वभर में कैंसर दिवस मनाया गया है। वहीं इस मौके पर बिहार में बड़ी पहल की शुरुआत हुई है, जिसके तहत बिहार की राजधानी पटना में स्वास्थ्य समिति के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विश्व कैंसर दिवस के मौके पर कैंसर स्क्रीनिंग सह जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने किया। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य ऊर्जा मंत्री आरके सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि बिहार में हर साल 1.40 लाख कैंसर के मामले सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर ही बिहार के 14 जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग केंद्र खोला जा रहा है। मांझी ने तेजस्वी से ज्ञान के स्रोत पर पूछा सवाल। जब से जीतन राम मांझी अपनी पुरानी पार्टी जदयू के साथ आए हैं, तब से तेजस्वी को लेकर उनके सुर ही बदल गए हैं, जिसके तहत मांझी मुद्दा चाहे कोई भी हो तेजस्वी पर निशाना साधना नहीं भूलते हैं। इसी क्रम में हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से तेजस्वी को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने रुपेश मामले के खुलासे के बाद पुलिस पर उठाए जा रहे सवालों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है, नौवीं फेल विपक्ष, आप इतना ज्ञान कहां से लाते हो? कभी बजट पर अर्थशास्त्री, ट्रैक्टर रैली पर किसान, बॉर्डर पर गोली चलने पर सेना विशेषज्ञ, रुपेश मामले का खुलासा होने पर जांच अधिकारी बन जाते हो। बिहार की 17 पंचायत अब अतीत के पन्नों में हो जाएगी दर्ज। बिहार की 17 पंचायत अब अतीत के पन्नों में दर्ज होने वाली है। इन पंचायतों में अब चुनाव नहीं होंगे। मिली जानकारी के अनुसार नगर आवास एवं विकास विभाग यदि पटना की 17 पंचायतों को शहरी क्षेत्र में शामिल करने से संबंधित अधिसूचना जारी कर देता है तो इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में ये पंचायतें अतीत का हिस्सा बनकर बस रह जाएंगी, जिसके बाद राजधानी पटना में केवल 305 पंचायतें ही रह जाएंगी, जिसमें मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य के लिए वोट डाले जाएंगे। क्योंकि नई जानकारी के अनुसार अब 2011 के बजाय 1991 में जनसंख्या 3000 से कम थी, इसी को ध्यान में रखते हुए ही अब नए सिरे से पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर प्रारूप तैयार किया जा रहा है।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। अपोलो 14 मिशन के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 5 फरवरी 1971 को उतरे थे। भारतीय क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने अपना आखिरी टेस्ट खेलकर 5 फरवरी 1992 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2010 में नीदरलैंड इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 600 में से 596 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक आज ही के दिन हासिल किया था। भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का 5 फरवरी 1990 को जन्म हुआ था। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के पुत्र और फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन का 1976 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1927 में आज ही के दिन भारतीय सूफी संत इनायत खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में हुआ संशोधन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी, जिसके बाद बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने पर मुहर लगाई गई थी। वहीं अब भर्ती प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है, जिसके तहत इसके पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र शामिल होंगे। विज्ञान में भौतिक, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे। साथ ही समसामयिक विषय भी शामिल होंगे। परीक्षा के प्रश्नों का स्तर मैट्रिक के स्तर के समकक्ष होगा। लालू के जेल मैनुअल पर आज होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में राजद सुप्रीमो लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले की सुनवाई आज होने वाली है। आज सरकार की तरफ से जेल से बाहर रहने वाले कैदियों के लिए एसओपी कारा महानिरीक्षक को पेश करना है। इस पर गृह विभाग को भी शपथ पत्र दाखिल कर यह बताना होगा कि इस एसओपी को कब तक मंजूरी मिलेगी। इतना ही नहीं, आज लालू यादव की मेडिकल रिपोर्ट भी रिम्स की तरफ से कोर्ट में पेश की जाएगी। इसको लेकर 22 जनवरी को ही शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश जारी किया गया था। बिहार में आज से दिखेगा बारिश का असर। जहां एक तरफ लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली थी, वहीं अब ठंड के साथ साथ बारिश भी लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो धूप निकलने के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को तो मिली ही, मगर अब बारिश से कई जिलों में ठंड का प्रभाव एक बार फिर से बढ़ते देखा जा सकता है, जिसके तहत मौसम वैज्ञानिकों ने 5 फरवरी को कई जिलों में बारिश का आंशिक असर दिखने की संभावना जताई है। वहीं 6 फरवरी को इसका व्यापक असर दिखने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही प्रदेश में पिछले 24 घंटे में तापमान में भी बदलाव दर्ज किए जाने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने मध्य प्रदेश के आसपास एक ट्रफ लाइन बनने की बात कही है, जो पूर्वी दिशा की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा बिहार के दक्षिणी हिस्से में आते भी देखे जा रहे हैं। गया हावड़ा एक्सप्रेस शुरू होने से यात्रियों में राहत। कोरोना के माहौल में कई ट्रेनों के पहिए पर ब्रेक लग गया था, हालांकि इससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अब रेलवे ने यात्रियों को राहत की खबर सुनाई है, जिसके तहत कोरोना काल में बंद हुए गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन कई महीनों के बाद एक बार फिर से शुरू कर दिए गए हैं, जिससे यात्री काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। ट्रेन खुलने के पहले ट्रेन के इंजन, सिग्नल, रेलवे ट्रैक, ट्रैक प्वाइंट का निरीक्षण बारीकी से किया गया, जिसके बाद स्टेशन प्रबंधक के त्रिपाठी की तरफ से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया, जिससे यात्रियों में खुशी की लहर देखने को मिली। मनोज झा ने किसानों से निपटने के लिए सरकार के तरीके पर कसा तंज। सड़क से लेकर संसद तक किसान आंदोलन की आग देखने को मिल रही है। बीते दिन भी राज्यसभा में किसानों को लेकर नारेबाजी देखने को मिली। इसी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने किसान आंदोलन से सरकार के निपटने के तरीके पर राज्यसभा में सवाल उठाते हुए कहा है कि लोकतंत्र में सुनने और सुनाने की क्षमता होना आवश्यक है। मनोज झा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होते हुए कहा कि किसान और किसानी अब भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और मोदी सरकार आंदोलन कर रहे किसानों से जिस तरह का व्यवहार कर रही है वह उचित नहीं है। मनोज झा यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार दिल्ली की सीमा पर आंदोलनकारी किसानों से ऐसे निपट रही है जैसे सीमा पर मुकाबला किया जा रहा हो। रेलवे स्टेशन जिसकी पटरियों के ऊपर होंगी सड़कें। भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है जिसके आगे आलिशान एयरपोर्ट भी फेल होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को कुछ ऐसा ही भव्य बनाने की योजना पर काम चल रहा है। करीब 6500 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होने जा रहा यह रेलवे स्टेशन भारत का सबसे शानदार रेलवे स्टेशन होगा। पीपीपी प्रोजेक्ट के रूप में तैयार होने जा रहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए खोल दिए गए हैं, जिसमें देश विदेश की 9 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एरिया में 44 मंजिला ऊंचा टावर बनाया जाएगा, जहां ऑफिस, 5-स्टार होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किए जाएंगे। कंगना का तापसी को जवाब, बी ग्रेड लोगों की बी ग्रेड सोच। तापसी पन्नू के ट्वीट को कंगना ने रीट्वीट किया है और कहा है कि बी ग्रेड लोगों की बी ग्रेड सोच, हर किसी को अपनी मातृभूमि और परिवार के विश्वास के लिए खड़ा होना चाहिए। यह कर्म है और यही धर्म भी है। फ्री फंड का सिर्फ खाने वाले मत बनो, इस देश का बोझ, इसलिए मैं इन्हें बी ग्रेड का कहती हूं। उन्हें मुफ्त लोडर अनदेखा करें,
तापसी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि अगर एक ट्वीट आपकी एकता को तोड़ता है, एक मजाक आपके विश्वास को चीर देता है या एक शो आपके धार्मिक विश्वास को चीर देता है तो आपको अपने विश्वास के सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, दूसरे के लिए प्रोपेगेंडा टीचर ना बने। पहले टेस्ट मैच में भारत और इंग्लैंड की होगी भिड़ंत में आज से मैच की शुरुआत होने वाली है। वहीं सीरीज के पहले दो मुकाबले चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जाएंगे जबकि आखिरी दो टेस्ट मैच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में आयोजित करवाए जाएंगे। हालांकि टीम इंडिया ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज की है जिससे इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि इंग्लैंड के खिलाफ भी होने वाले मैच में टीम मजबूती के साथ उतरने वाली है। वहीं आज मैदान में इंग्लैंड का मुकाबला करने के लिए संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षय पटेल, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज का नाम सामने आया है। बीएल बैसेंथरी बने हम के नए प्रदेश अध्यक्ष। हम पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई है जिसके तहत बुधवार को आयोजित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राज्य परिषद की बैठक में बीएल बैसेंथरी को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही बीते दिन प्रदेश कार्यकर्ताओं ने नए प्रदेश अध्यक्ष बीएल बैसेंथरी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी को भी मजबूत करने की बात कही है जिसके तहत बीते दिन स्वागत के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में भी अच्छे वोट मिले हैं, कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में अच्छी पहचान बनाई है। अब आगे हम चाहते हैं कि पार्टी और ज्यादा मजबूत हो, इसको लेकर कार्यकर्ताओं को लगातार काम करना होगा। राजद सुप्रीमो लालू यादव के लिए शुरू हुआ मुहिम। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू यादव का इन दिनों दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं उनकी सेहत में नहीं हो रहे सुधार को लेकर अब बिहार में उनको रिहा करने की मांग उठ गई है जिसके तहत ही राष्ट्रपति के पास लालू यादव को जेल से बाहर निकालने के लिए आजादी पत्र जारी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उनके समर्थकों ने बिहार के कोने कोने से राष्ट्रपति को पत्र जारी किया है जिसके तहत बीते दिन पत्रों को भेजने के लिए जीपीओ भी लाया गया है। इसके पहले भी लालू यादव की रिहाई के लिए ट्विटर पर मुहिम चलाया गया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रणधीर कुमार, अरुण सिंह, मुर्तुजा इस्माइल, विशाल कुमार, रंजीत कुमार, शिवम, बाबू मौर्य, अरुण सिंह, राजू कुमार, विक्रांत कुमार, धर्मबोध, मुकुंद कुमार, सुमित कुमार, रंजीत कुमार, शिव कुमार यादव, विक्रांत कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज से शुरू होने वाले भारत और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।